जय हिंद दोस्तों, आज हम अब बात करेंगे हाई जंप पे। हमारे लड़के सबसे ज़्यादा हाई जंप में छट रहे हैं और वीडियो केवल देखते हैं। वीडियो देखने से केवल हाई जंप होता नहीं है, वीडियो जो बताया जाता है हर वीडियो में उसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई हमारे बच्चे करते नहीं हैं, बस वीडियो देखते हैं, अगला जो करके दिखाता है उसको लगता है, उससे देख कर खुश हो जाते हैं कि हम भी कर पाएंगे। बस देख कर देखना और करना अंतर होता है। टेक्निक सभी जो टीचर हैं एक ही देते हैं, बच्चा अप्लाई नहीं करते हैं। क्या होता है, जब मारने का टाइम अपने आप पैर चलना शुरू हो जाता है, कभी दिमाग में एक बात ये नहीं आता है कि ट्रेनर क्या बताया है। आज उसी पे हम बात करेंगे, हमारे बच्चे साथ में और बच्चे देखेंगे कि कैसे होता है हाई जंप। तो आपको ये डंडा दिख रहा होगा और डंडा सब की दूरी जो है यहाँ पे गोलाकार दिख रहा होगा। ये दूरी कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी है, ये लड़की का है। लड़का का 2 फीट भी रहता है, लेकिन लड़की का थोड़ा सा हाइट कम है, उसके अनुसार हम लोग 1 से 1.5 फीट की दूरी लिए हैं और उसका जो है एंगल बनाए हैं। इधर दिखा दो, थोड़ा हट जाओ, आगे आ जाओ। एंगल देख लीजिए, ये जो गोलाकार का लगा हुआ एंगल है, ये एंगल बताता है कि आप इस पर अगर टर्न करते हैं और पूरी तरह से अगर आप डंडे के तरफ घूम जाते हैं और घूमने के बाद पैर को पूरा फोल्ड उठाकर फिर सीधा करेंगे तो आपका हाई जंप अच्छा से होगा। देखो बाबू, तुम लोग को क्या करना है, ये लाइन है, के चलना होता है, ठीक है। अगर हम इस लाइन से सीधा मारेंगे तो हमारा पैर ऐसे चला जाएगा, ठीक है, अंदर चला जाएगा। इधर ये कोना से, तो ये जाने के बाद हम जंप अगर यहाँ से लेते हैं और वहाँ जाते हैं, यहाँ और वहाँ की दूरी 4 फीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ से चलते हैं, ये लाइन पे चलते हैं और अगर यहाँ से आके जंप लेते हैं और पैर यहाँ जल्दी से अंदर करते हैं तो मुश्किल है डंडा से दूरी 1 से 1.5 फीट। कोशिश दिमाग में रखना, वहाँ एग्जाम जिसे जिस दिन तुम्हारा होगा उस दिन कोशिश रखना है कि पहले एंगल बनाना, थोड़ा सा कर्व, डंडा जहाँ लगा होगा वहाँ से थोड़ा देखना कि कितना हम घूम सकते हैं। जितना ज़्यादा घूमोगे, जितना सीधा डंडा की तरफ, ऐसे डंडा का कोई साइड में ऐसे सीधा हो जाओ, उसके बाद पैर आगे डंडा की 1 से 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। अब पैर रखने के बाद जितना जल्दी पैर फोल्ड के अंदर लाओगे, दूर जाओगी बजेगा, हिप बजेगा, अंदर लाओगी हिप कम बजेगा। देखना, कोई भी लड़की जिसको कम जंप होता है, यहाँ से खड़ा होकर जंप मारती है, स्लो मारती है, वो है तुरंत जंप मार देती है। क्या है कि वो यहीं से जंप मारती है, वहीं गिर जाती है, तो आराम से हो जाता है, जबकि उसका जंप कोई खास नहीं रहता। लेकिन आप लोग का क्या है, जंप मारते हैं यहाँ से और जाते कहाँ हैं, आगे। तो इसका दूरी ज़्यादा हो जाता है तो पैर निकलता है लेकिन हिप आपका नहीं निकल पाता है और हाइट भी आपका जंप नहीं रहता है। एक्स्ट्रा तो जंप आप लेते नहीं हैं, आप तो केवल इसको पार करने की कोशिश करते हैं। जब भी जंप लेते हैं तो डंडा को मत देखिए, डंडा देखिएगा डर ज़्यादा आ जाएगा। जहाँ से चलते हैं थोड़ा स्लो चलिए, आगे आके थोड़ा तेज होइए। अगर वहाँ से तेज चलिएगा, इधर आके स्लो होइएगा, तो स्लो होकर जंप लेना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले उधर से हल्का स्लो चलेंगे, उसके बाद थोड़ा तेज, उसके बाद पैर को जितना आप होल्ड उठा सकते हैं फिर बाहर से अंदर लाना और सीधा करना और जस्ट गिरना है। अगर गिरना भी है तो जस्ट गिरना है, ये नहीं कि आगे जाना है। आगे जाएंगे तो फिर फ्रंट हो जाता है, फ्रंट जाने के बाद कभी पैर अंदर जाएगा, कभी ये जाएगा तो हिप नहीं। तो दिमाग रखना है दो चीज़ कि हम पहले एंगल बनाएंगे, दूसरा डंडा की दूरी को कम से कम 1 से 1.5 फीट की होनी चाहिए, फिर आपका जंप अच्छा होगा। तो इधर जाने के बाद देखिए, आराम से, ठीक है, जितना ज़्यादा जंप लेंगे उतना अच्छा रहेगा। और देखिए, जितना अंदर जाइएगा और अच्छा रहेगा, बस पैर इधर गिरेगा अच्छा रहेगा, ज़्यादा जल्द अंदर गिरेगा फिर सटेगा। आइए आप लोग, बंद करो, छोटा छोटा।